नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम हम कर रहे थे, नंबर सिस्टम में आज हमारा थर्ड चैप्टर है फ्रैक्शन। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया था, शेषफल निकालना हमने पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने फर्स्ट चैप्टर में यूनिट डिजिट पढ़ लिया था, इकाई का अंक निकालना पढ़ लिया था। चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आएगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन जिसमें कि हमसे पूछा जाता है भिन्नों के बारे में, भिन्न हमको दिया रहता है, तीन चार भिन्न दिए रहते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है भिन्नों में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, या हमको आरोही क्रम में लिखने के लिए दे दिया जाता है, या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में हमसे दे दिया जाता है। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मदद करेंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे ट्रिक मैं बताऊंगा जो कि 5 से 10 सेकेंड में आप किसी भी सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे टाइप वन में आप देख सकते हैं चैप्टर हमारा है भिन्न, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन टाइप वन में आप देख सकते हैं, जैसे आपसे दे दिया गया 2/7, 11/16, 4/9, 3/8, 12/17 और 8/13। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है और सबसे छोटा कौन सा भिन्न है, तो आप इसमें देखेंगे कि जब अंश और हर का डिफरेंस सेम हो यानी बराबर हो, तो उसमें हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है और कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 2 और 5 का डिफरेंस, 2 और 7 का डिफरेंस 5 है, 11 और 16 का डिफरेंस 5 है, 4 और 9 का डिफरेंस भी 5 है, 3 और 8 का डिफरेंस भी 5 है, 12 और 17 का डिफरेंस भी 5 है, 8 और 13 का डिफरेंस भी 5 है, यानी अंश और हर का डिफरेंस 5 आ रहा है, जो कि सेम है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा क्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी, यानी कि हम लिखेंगे 2/5 आ रहा है आपका डिफरेंस, तो 5 लिखेंगे, 11/5 5 लिखेंगे, 4/5 5 लिखेंगे, 3/5 8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, सॉरी क्योंकि डिफरेंस हमारा 5 है, 12/5 5 लिखेंगे और 8/5 5 लिखेंगे। तो आप जानते हैं अगर सभी संख्याओं में सेम संख्या से भाग दिया जाए, तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला मतलब अंश जो है किसका बड़ा है, तो बड़ा किसका है 12 का, तो 12/5 जो है सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 12/5, यानी कि 5 तो हमने अपनी तरफ से लिया है, उसका डिफरेंस यानी कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 12/17, और सबसे छोटा क्योंकि 2/5 है, तो हम लेंगे 2/7 को सबसे छोटा भिन्न। इतनी बातें आपको समझ में आई, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते होंगे अगर मान लीजिए कि 2/3 छोटे भिन्न से मैं आपको शुरुआत करता हूँ, जैसे 2/3 और 3/4 में आपसे पूछे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, तो आप देखेंगे इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, दोनों में 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे इन दोनों में सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, तो आप देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस अगर सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं 2/1, और इसको भी लिख सकते हैं 3/1, अंश के अपान में डिफरेंस को लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 2/1 में और 3/1 में अंश किसका बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 इसमें छोटा है और 3 इसमें बड़ा है, तो 3/1 बड़ा भिन्न हो जाएगा और 2/1 छोटा भिन्न हो जाएगा। तो 3/1 हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, 3/4 से, तो इसका मतलब 3/4 जो है वो बड़ा भिन्न हो जाएगा और 2/3 छोटा भिन्न हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग टाइप 2 की तरफ चलते हैं। जो टाइप 2 हमारा है वह इस तरह से आता है क्वेश्चन, जैसे आप देखिए हमारा क्वेश्चन है 1/8, 4/9, 7/10, ठीक है, और हमसे पूछेगा कि बड़ा कौन है इसमें या छोटा कौन है, तो इसको आसानी से हम कर ले जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में अंश और हर में सीरीज बनती है एक, और उस सीरीज में इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीजमेंट होता है बढ़ते हुए क्रम में सेम डिफरेंस के साथ क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे 1 से 4 में 3 का
इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, और 4 से 7 में भी 3 की बढ़ोतरी हो रही है। 8 से 9 में हर में अगर हम बात करें तो 1 की बढ़ोतरी हो रही है, और 9 से 10 में भी 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी हर में 1-1 की बढ़ोतरी हो रही है, और अंश में 3-3 की संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर ऐसी क्वेश्चन दिए गए हों तो हम देखेंगे कि जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिया है, सबसे लास्ट में जो हमको सीरीज में भिन्न दिया गया रहता है, फ्रैक्शन दिया गया रहता है, वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, और जो सबसे शुरू में दिया गया रहता है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। तो 7/10 जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और 1/8 जो कि शुरू में दिया गया है वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। उसी तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें जो कि दिया गया है 2/7, 4/15, 6/23, यही क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे 2/4, यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हो रही है, और 4 से 6 2 की बढ़ोतरी हो रही है। नीचे अगर हम हर में देखें तो 7 से 15 8 की बढ़ोतरी हो रही है, और 15 से 23 में 8 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी हर में 8-8 संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है, 8 संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है, और अंश में 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें जाहिर सी बात है लास्ट में हमको 6/23 दिया गया है भिन्न, तो 6/23 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और शुरू में जो 2/7 दिया गया है वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यह टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा टाइप जो है बहुत ही आसान है, इसको करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह रहता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 3/7, 5/11, 10/13, 7/12 और 4/11। इसमें अगर यह क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछे कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप लगाइए इसको, ठीक है, अरेंज कीजिए असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में, तो आप कैसे करेंगे, अंश को 10 से गुणा कर देते हैं, तो 3 में 10 से जब गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, यह हो जाएगा 50, यह हो जाएगा 100, यह 70 और यह 40 हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और जब 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो बहुत आसानी से डिवाइड हम कर ले जाएंगे, ठीक है, तो यह 4.2 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा, ठीक है। यह कैसे आया, यह आया है आपका 30/7 और यह 50/11, यह 100/13, यह 70/12 और यह 40/3 हो गया। जितनी बार डिवाइड हो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो 7 चौका 28, 2 बचा है तो 0.2 लगा देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे। उसके बाद 4/11, 3/7, 5/11, 7/12, 10/11, इसमें सबसे बड़ा कौन है यह देखेंगे, तो हम 7 जो है सबसे बड़ा है, इसका मतलब 100/13 यानी कि 10/11 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखते हैं, तो 10/11 को सबसे पहले लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 कहाँ से आया है, 40/11 से, यानी 4/11 से, तो 4/11 सबसे बाद में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइप 4। टाइप 4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन है 3/7, 5/11, 10/13, 7/12, 4/11, ऐसे अगर क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे करेंगे। एक मेथड तो मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस लेकर के, एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, ठीक है, एक मेथड यह है, और दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको भी समझ लीजिए, जैसे 3/7 और 5/11 को सबसे पहले लेंगे, तो इन दोनों को जब हम लेंगे तो 11 3 33 और 7 5 35, 7 में 5 का मल्टीप्लाई और 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कौन सा बड़ा आ रहा है, तो 35 बड़ा है, इसका मतलब कि 5/11 भी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों में हमें पता चल गया कि 5/11 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 5/11 और 10/13 को लेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5/11 और 10/13 को लेंगे, तो 13 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा, और 11 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, तो इसका मतलब 110 बड़ा है, तो इसका मतलब 10/13 जो है वह बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/11 से, ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक भिन्न दिया हुआ है 4/11 तक, और जब हम ये सब कर ले जाएंगे उसके बाद अरेंज कर लेंगे आरोही क्रम में, असेंडिंग आर्डर में,
ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न जो है, कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप फाइव में चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको रूट में दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे 2√6, 3√2, 2√2 और रूट में 3 है, 3√4, 2√5 में सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर दिए जाएं तो आप इसका क्या कीजिए, डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो 2√6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 बाहर आएगा, तो यह हो जाएगा आपका 24। ऐसे ऐसे जब सभी का आप स्क्वायर करेंगे, 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यह √2 बाहर आएगा तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। तो पहला 24 आया या 18 आया, ऐसे ऐसे ही आप करते रहेंगे, करेंगे तो यही आएगा 6, 4 का मल्टीप्लाई 24, 9 × 2 = 18, 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 36, 4 × 5 = 20। तो जब आप रूट का जब स्क्वायर कर ले जाएंगे तो आप रूट जो है हट जाएगा और आपको स्क्वायर के बाद संख्याएं मिल जाएंगी, और जब संख्याएं मिल जाएंगी, नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, बड़ी आसानी से आप लोग बता जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 24 आ गया, 18 आ गया, 12 आ गया, 36 आ गया, 20 आ गया, तो आप इसमें बता सकते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं 36 जो है सबसे बड़ी है, और 36 आया कहाँ से है, 3√4 से। 3√4 का जब आपने स्क्वायर किया तभी तो 36 आया, तो 3√4 जो है, 3√4 वह सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6ठा क्वेश्चन इसी तरीके से है, लेकिन रूट में ही पावर लगा कर अगर आपको दिया जाए, जैसे 3 आपको बतानी है कि कौन सी संख्या इसमें से सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। आपको दिया हुआ है घनमूल में 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, इसका 4th रूट निकालना है, और अंडर रूट में 2 दिया हुआ है, 6th रूट में दिया हुआ है 12। तो ऐसे जब संख्याएँ आती हैं तो आप करिए क्या, सबसे आसान तरीका है, जैसे आपको पता होगा अगर 4 लिखा हुआ है और इसका अंडर रूट है तो इसको आप 4√1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर 6 दिया हुआ है और इसका घनमूल दिया हुआ है, ठीक है, घनमूल निकालना है, तो इसको आप 6√1/3 लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो ऐसे ही अगर आपको 9 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है और उसका आपको √4 निकालना है, तो आप इसको 8√1/4 लिख सकते हैं। तो वही किया गया है दोस्तों, किया क्या गया है, जो घनमूल दिया हुआ है 3 का, उसको 3√1/3 लिखा गया है, 4√1/4 लिखा गया है, 2√1/2 और 12√1/6 लिखा गया है। अब जो पावर में हमको लिखा गया है उसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, पावर में भिन्न आ गया है तो भिन्न को हम लोग हटाएंगे। भिन्न कैसे हटेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, पावर में जो हर दिया गया है, जैसे 3, 4, 2 और 6 हमको दिख रहा है, अंश तो उसका 1-1 है, लेकिन हर हमको 3, 4, 2 और 6 दिख रहा है, तो इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब एलसीएम लेंगे तो हमको आसानी से भिन्न में हर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जब कैंसिल हो जाएगा तो आसानी से हम उसका स्क्वायर या क्यूब आएगा तो क्यूब आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए करते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे 3, 4, 2 और 6 का, तो हमारा कितना आएगा, 12। ठीक है, 3, 4, 2 और 6 का एलसीएम आ गया 12। तो जब 12√3, 3√1/3, और जब इसमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से दोस्तों ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सभी संख्याओं में, तो 3 से यह 12 कटेगा तो आएगा 4, यानी कि 3√4 यह हो गया 4। उसी तरीके से 1/4 है, और जब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 × 12 यानी 4 × 3 = 12, तो यह हो गया आपका 4√3। ठीक है, उसी तरीके से यह 2√6 हो जाएगा और यह 12√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3√4 यानी 3 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 का जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का³ आपको पता होगा, 3√9, 3√27, 3³। ठीक है, तो 3√4 यानी 81 हो गया। ठीक है, 4√³
चार चौका 16 चौका 64 हो गया, ठीक है। 2 के पावर 6 यानी 2 का मल्टीप्लाई आपको 6 बार करना पड़ेगा, तो यह हो गया 64 और 12 का स्क्वायर यानी 144। अब जब ऐसी संख्याएं आ गई तो आपको नेचुरल संख्या प्राप्त हो गई, अब भिन्न रहा नहीं या स्क्वायर या रूट में भी नहीं रहा, ठीक है, या रूट और स्क्वायर में भी नहीं है, तो आप आसानी से इसको अब कर ले जाएंगे। जब नेचुरल संख्या आपको प्राप्त हो गई तो 81, 64, 64 और 144 में तो आप आसानी से बता ले जाएंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे कि 144 जो है 144 सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है। और यह कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, जब 12 का हमने 6 बार रूट निकाला, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टाइप है 7वां। अगर आपको ऐसी संख्याएं दे दी जाएं और पूछा जाए कि इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, 2 के पावर 2 और उसके पावर 3, 2 के पावर 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 के पावर 2, इसको पूछा है कि कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है, तो जब ऐसी संख्याएं दे दी जाएं तो सबसे पहले उसको हमको सॉल्व करके, उसको सिंप्लीफाई करके और हमको पावर में बनाना रहता है। जैसे 2 के पावर 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 यानी 8, तो इसको हम 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 2 के पावर 3 का स्क्वायर यानी 9 लिख सकते हैं हम, ठीक है, और 3 के पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 8, 2 के पावर 9 और 3 का पावर 4, जब इसको हमको देखने से क्या पता चल रहा है, 2 के पावर 8, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 2 के पावर 8 और 2 के पावर 9 में हमको आसानी से पता है कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 8 बार होगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 9 बार होगा, यानी इसमें 2 के पावर 9 बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 4 बार है, यानी इसमें अगर सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो 2 टू दी पावर 9 सबसे बड़ी संख्या है, और यह आया कहाँ से है, 2 टू दी पावर 3 के पावर 2, यानी यह सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वां जो हमारा टाइप है, अगर हमको ऐसी संख्याएं दे दी जाए, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 450, 3 के पावर 300, 4 टू दी पावर 250 और 5 टू दी पावर 200, इसमें आरोही क्रम में अगर हमको दिया जाए लगाने के लिए तो हम उसको कैसे करेंगे, अगर पावर समान बनाते हैं, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन रहते हैं तो हमको क्या करना रहता है, सबसे आसान तरीका है कि ऐसे सवालों में जो पावर दिया गया है उसको हम लोग एक समान बनाते हैं, ठीक है। जैसे 2 के पावर 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 50 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 9 × 50 हम करेंगे तो 450 आ जाएगा, आया बात समझ में। उसी तरीके से 300 को हम लिख सकते हैं 6 × 50 और 250 को 5 × 50 लिख सकते हैं और 200 को 4 × 50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50-50 सब में कॉमन आ गया, तो सेम बनाते हैं हम लोग पावर को, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 2 के पावर 9 के पावर में 50, 3 के पावर 6 के पावर 50, 4 के पावर में 5 और उसके पावर में 50 और 5 के पावर में 4 और उसके पावर में 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 9 यानी 2 का मल्टीप्लाई 9 बार होगा, तो यह हो जाएगा 512 और 512 के पावर में 50। जब 3 का पावर 6 है यानी 3 का मल्टीप्लाई 6 बार होगा, तो यह होगा 729। 4 के पावर 5 है तो यह होगा 124 और 5 के पावर 4 यानी 5 का मल्टीप्लाई 4 बार होगा, तो यह होगा 625, ठीक है। और जब पावर एक समान है तो देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, जो संख्या जिसका आधार बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि पावर समान है तो जिसका आधार बड़ा होगा वह संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो 1024 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो 1024 जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, तो 1024 आया कहाँ से है, 4 के पावर 5 के पावर 50 से, तो इसीलिए हम 4 के पावर 250 को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग आरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो हम लोग यही लिखते, 4 के पावर 250। सबसे छोटी अगर पूछता तो 2 के पावर में 450, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आधार है 512 वह सबसे छोटी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपको यह टाइप समझ में आ गया होगा। 9वां जो हमारा टाइप है वह इस तरीके से है,
कि अगर आपको दिया जाए 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर में 36, 5 के पावर 24 और इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान मेथड यह होगा कि सभी पावर किसी एक संख्या के मल्टीपल में अगर हो तो पावर को उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि 60, 48, 36 और 24 12 का मल्टीपल है, 12 से सभी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पावर को क्या कीजिए, कम कीजिए। कम करेंगे तो आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 12 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब 60 में आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 3 के पावर 48 है तो 48 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप 4 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 36 तीन बार डिवाइड होगा, 3 आएगा भागफल, यानी 4 के पावर आप इसको 3 लिख सकते हैं। 24 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 बार डिवाइड होगा, यानी 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप पावर जब छोटे हो गए हैं तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और नेचुरल नंबर प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ। जैसे 2 के पावर 5 को आप 32 लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार होगा। 3 के घात 4 है तो 81 हो जाएगा, 4 के पावर 3 है 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप आसानी से बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, 81 सबसे बड़ी संख्या है डेफिनेटली। तो 81 कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, वह 3 के घात 48 से प्राप्त हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 के घात 48 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और बड़ी आसानी से आप इसको ऐसे ही कर ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते अगले टाइप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टाइप है अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे देख पा रहे होंगे आप √7 − √5, √19 − √17, √5 − √7 और √19 − √17 में अगर पूछा जाए कि कौन बड़ी संख्या है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों के बीच डिफरेंस सेम हो अगर, जैसे 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, 19 और 17 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, तो अगर दोनों के बीच में डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो संख्या सबसे बड़ी वैल्यू दिखती है वह स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है और जो सबसे छोटी दिखती है वह लार्जेस्ट फ्रैक्शन होती है, सबसे बड़ी भिन्न होती है। जैसे इसी को हम अगर देखें तो इसमें 7 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 का आया, 19 और 17 के बीच में डिफरेंस 2 का आया, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी √19 − √17, क्योंकि √19 जो है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, और 7 जो है वह छोटी संख्या है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह फ्रैक्शन में सबसे छोटी होगी, यानी √19 − √17 सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला जो टाइप है वह इस तरीके से है, 11वें टाइप पर हम लोग पहुंच चुके हैं और बस वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए बस कुछ ही सेकेंड के लिए, ठीक है, और आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले टाइप की तरफ, हमारा नेक्स्ट टाइप है जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए √8 − √5 और √12 − √15 में से कौन सा बड़ा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंश। अगर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा, √8 − √5 * ऊपर नीचे इसके व्युत्क्रमानुपाती से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और अगर प्लस रहे तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, अंश में हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यह आ जाएगा आपका 3 √8 + √5, और उसी तरीके से जब हम इसको ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3 √12 + √15। इससे फ़ायदा क्या होगा,
जब इतना हम लोग कर ले जाएंगे तो इससे फ़ायदा यह होगा कि अंश जब एक समान हो, जैसे यहाँ पर तीन आ गया, ठीक है, तो जब एक समान हो जाते हैं अंश, तो हर जिसका छोटा होता है उसका वह भिन्न भी बड़ी होती है। तो अंश किसका छोटा है, यहाँ पर देखिए 8 है, ठीक है, और यहाँ पर तो 12 है, तो कौन सा छोटा हुआ है? यह छोटा हुआ, डेफिनेटली सी बात है। तो जब अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 5 जब जोड़ेंगे तो यह भी छोटा होगा, तो इसका हर छोटा है, इसका मतलब यह वाली भिन्न जो है वह बड़ी होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न बड़ा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन लास्ट के ईयर में बहुत बार पूछे जाते हैं SSC CGLs में, ठीक है, CHSL के एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया जाएगा अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, और पूछा जाएगा और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 में, इन चारों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है, तो इसका आपको सबका हल करना पड़ेगा, सभी चारों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे, एक का मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, वैसे ही आप सॉल्व करेंगे, जैसे अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तो 11 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 11 रूट 2, तो यह हो गया 11 दो 13 और प्लस 2 रूट 22, यह आ गया आपका 13 प्लस 2 रूट 22, ठीक है। उसी तरीके से जब इसको भी a प्लस बी के फार्मूले से स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 13 प्लस 2 रूट 42, इसको जब करेंगे तो आएगा 13 प्लस 2 रूट 36, इसको जब करेंगे तो आएगा 13 प्लस 2 रूट 40, ठीक है। उसके बाद 13 तो सब में कॉमन है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, 13 सब में कॉमन है, 13 सब में कॉमन है। उसके बाद आप देखेंगे सब में प्लस जुड़ रहा है क्या, 2 रूट 22, 2 रूट 42, 2 रूट 36, 2 रूट 40, तो डेफिनेटली सी बात है, यह आपको पता होगा कि रूट में जो संख्या लिखी जाती है वह अगर बड़ी है तो जब जुड़ेगा उसमें 13 में तो वह संख्या भी बड़ी होगी, तो 2 रूट 42 इसमें बड़ा है, ठीक है, 42 इसमें बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब यह संख्या भी बड़ी होगी, ठीक है। तो 7 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी। उसी तरीके से हमको यह अगर सॉल्व करना है, रूट 4 माइनस रूट 2, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 9 माइनस रूट 4, रूट 8 माइनस रूट 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे रूट 11 माइनस रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 11 प्लस 2 और माइनस में आएगा आपका 2 रूट 11 2 गुणे रूट 2, तो यह आएगा 11 दो 13 माइनस 2 रूट 22। और जब इसमें माइनस में आ रहा है तो इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी आ रही है, क्योंकि 13 सब में कॉमन है, क्योंकि 13 में से घट रहा है, तो जब हमसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो रूट में हम देखेंगे कि कौन सबसे छोटा आ रहा है, क्योंकि घटेगा और जब कम घटाएंगे तभी हमें संख्या बड़ी प्राप्त होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, प्लस वाले में बड़ी संख्या जुड़ेगी तो और बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगी, लेकिन छोटा जब माइनस वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि रूट में हमें कम से कम संख्या प्राप्त हो, क्योंकि हमें घटाना है, तो रूट 22 जो है वह छोटी संख्या आएगी, और 13 में से जब हम छोटी संख्या घटाएंगे, 2 रूट 22 छोटा संख्या आएगा, तो 13 में से जब हम छोटी संख्या घटाएंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी, यह वाली संख्या हमें बड़ी मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 13 दिया है और यहाँ पर रूट 2 दिया है, रूट 4 दिया है, और एक हमें संख्या दिया है, मान लीजिए यह 13 माइनस रूट 4 है, और एक संख्या दे दिया 13 माइनस रूट 16, तो डेफिनेट सी बात है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यह रूट में 4 है इसीलिए इसका मान छोटा होगा, इसीलिए यह संख्या आपको बड़ी मिलेगी। यहाँ पर 13 माइनस 4 हो जाएगा और यह 11 मिलेगा,
सॉरी 9 मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 13 में से सिर्फ 2 घटाना होगा और यह 11 मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, तो यह संख्या बड़ी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करना है, तो देखना है कि रूट में हमें छोटी संख्या मिले। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने करा दिए, 11 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, और सभी टाइप के क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि एक टाइप के क्वेश्चन पे एक ही तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई और क्वेश्चन है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सभी मेथड सीख जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रेलवे NTPC का एग्ज़ाम या ग्रुप डी का एग्ज़ाम या SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ तक कि CSAT में आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको कारगर साबित होगा यह, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मस्त है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।